इत्थे दी चक्की है जिहड़ी कि पानी दे नाल चलदी है। इत्थे कोई राती विआह सीगा गुड मॉर्निंग दोस्तों, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है साडे नवे ब्लॉग दे विच। एक बार फिर तो हाजिर अपना नवा ब्लॉग लैके। तो जिवें कि तुहानू पता, असीं आ स्पीति दे सफरां ते। हिमाचल प्रदेश दा एरिया स्पीति वैली, जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड ते असीं उहदे सफरां ते निकले होए आ। ते आपां इस वेले आ चितकुल दे विच। चितकुल जो कि इंडिया दा इक लास्ट पिंड मन्निया जांदा है। इस तों अगे चाइनीज़ टैरिफरी शुरू हो जांदी है। शामी 6 बजे आपां इत्थे पहुंच गए सीगे। ओह गोप्रो दी बैटरी खत्म होण दे कारण मैं तुहानू इत्थे दी एंट्री प्रॉपर नहीं दिखा पाया। तो कोई ना, आप हम तो इस पिंड की सैर करावे। बाहर धुप निकल चुकी है तो आप अगे जावे सैर करते हुए इस पिंड के। पिंड के सभ्याचार बारे, पिंड के कल्चर बारे, पिंड के लोगों बारे जाणू करवावे। लोग इतने किन्ने रहते हैं, इतने किन्ना टैंपरेचर होंगे, तो इतने का माहौल की है। फ्रैश मॉर्निंग का व्यू है चितकुल पिंड का। तो हम मैं तुम्हें अपने होटल के दर्शन करवाना जिथे असी स्टे किया। उपर पहाड़ा से ताजी ताजी बर्फ पई हुई है, फुल पहाड़ चमक रहे हैं धुप की शाइनिंग दे नाल। आया कि कोई छोटा जिहा पिंड आ, असीं इस होटल दे विच स्टे कीता सी। पूनम रेस्टोरेंट इहदा नाम है। बहुत ही जेन्युइन प्राइस दे उपर सानूं रूम मिल गया सी। बहुत वधिया नाइट रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। आ इत्थे देखो जी, सामने पहाड़, चोटी ते बर्फ पई हुई है। हुण तुहानूं आपां घुमावांगे थोड़ा जिहा पिंड, पिंड दी करावांगे सैर। आई लव चितकुल बसपा रिवर कैंप रिवर साइड। एक नाला बगदा छोटा जिहा, तो 12 महीने बगदा रहिंदा जदों चाटियां होंदियां, फिर जमदा होएगा। तुहानूं करवाने आ पिंड दी सैर। आ पिंड दी गली मान लो, जिदां साडे पिंडां दे विच गलियां होंदियां, इह आ जी पिंड दी गली। हुण आपां उपर वल नूं चलदे हां। धुप बहुत ही खिड़ी हुई निकली है, बिल्कुल वधिया मौसम है। जिहड़ा तुसीं सामने देख रहे हो जी, ये इत्थे दी चक्की है जिहड़ी कि पानी दे नाल चलदी है। छोटा जिहा है ये, पानी दे ट्रैक्टर दे नाल टरबाइन दी तरह उहनूं घुमाया जांदा है, ते फिर चक्की घुमदी है। उहदे नाल ही इत्थे आटा पीसिया जांदा है। ये पुराने जमाने दी चक्की है। हुण हौली हौली ये चीज़ां लुप्त होंदियां जा रहियां ने साडे कल्चर दे विच्चों। ते उच्चे पहाड़ी एरिया के बच्चे चीजा बचा के रखी हुई है। सामने चल रहे हैं पिंड के होंगे हुए, अगे कहा जा रहा कि मोनस्ट्री है, छोटी जी पिंड की मोनस्ट्री। आया जी चितकुल का मंदिर। इतने कोई राती विआह सीगा, तो विआह का जरा खाना वगैरह तैयार हो रहा है। तो सारा पिंड मिल के इंजॉय करता, कोई भी विआह हो, कोई भी फंक्शन हो। ये है चितकुल का मंदिर। सवेरे सवेरे इतने पूजा हो रही है। बाहरों ही शॉट लेके दिखाने। चितकुल पिंड दीयां गलियां दे विच्चों हुंदे होए असीं हुण जावांगे जिथे आपां ब्रेकफास्ट करना है, ते चाह वगैरह पीजे जाके। डिनर भी आपां राती उत्थे ही कीता सी। एक्चुअल राती आपां हो गए सी लेट, लेट इन द सेंस कि 6 बज गए सानूं, 5:30 6। पर मेरे गोप्रो की बैटरी जिहड़ी उह बिल्कुल ही डैड हो चुकी सी। दोनों बैटरियां डैड हो गईआं सी,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੋਪਰੋ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਪਰੋ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਊ ਹੈ। वीडियो शॉट ते फोटोज वगैरह लैन तो बाद हुण असीं अपने होटल वल नूं वापस चले आ। उत्थों अपने बैग वगैरह बाइक ते फिट करके चंगी तरह बन के फिर आपां निकलांगे अज नाको लई। अज दा जिहड़ा सफर होएगा उह चितकुल तों नाको तक दा होएगा। अप्रोक्सीमेटली 148 तों 160 किलोमीटर दे विच विच सफर आ। इत्थों 48 किलोमीटर दा जिहड़ा स्ट्रैच आ उह काफ़ी खराब आ, जिहड़ा आपां गलत तय कीता सीगा करछम टू चितकुल तक। बाकी करछम तो नाको तक का सफ़र कहते बहुत वधिया सफ़र है। उहदे उपर आप आराम नाल जावांगे अज ते जल्दी जल्दी उत्थे पहुँचने की कोशिश करांगे। आया जी हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। रास्ता इधरों जाता जी थले ते और थले जाके आ, पर फिलहाल क्लोज आ, कोई आया नहीं है इतने। नहीं तो आप इतने ब्रेकफास्ट करना ही। ते हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा ते आ चितकुल दे मेन एंट्री का बोर्ड आ, चितकुल इंडियन लास्ट विलेज। इहदा एल्टीट्यूड हैगा जी 11,320 फीट। हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल, स्वर्ग का द्वार खुल चुका है। शायरी भी लिखी है इन्होंने जी, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा चितकुल लंदन से कम नहीं। वाकई कोई शक नहीं जी ये विच। हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस भी इत्थे ही है। हुण साडा टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करन दा, ते ब्रेकफास्ट करके फिर अपने होटल जाके आपां फिर चलिए अपने अगले सफर वल। इत्थे असीं लगे हां जी ब्रेकफास्ट करन अपना बाबा फूड चैंबर। सारी रेट लिस्ट लगी हुई है। इत्थे वधिया खाना मिलिया राती, आपां खाधा सी बहुत वधिया टेस्ट सीगा। स्पैशली राजमा खाधे सीगे, बहुत ही वधिया टेस्ट सीगा। ते इहनां दे बैठण दा सिटिंग प्लान जिहड़ा इस साइड आ तुहानूं उह दिखाउंदे आ अंदर। आया जी बाबा फूड चैंबर का सिटिंग प्लान, अंदर बहुत सोहना बनाया हुआ इन्होंने। आ देखो, पर यह नहीं पता ये है तो तरपाल जी तो सर्दियों कि सरवाइव करते हो गए। लो जी बाबा फूड चैंबर से साडा ब्रेकफास्ट हो चुका तैयार। असि मंगाए परौंठे आलू वाले, नाल पीवांगे चाह। जी आप अपना ब्रेकफास्ट कर लिया हूं, तो हम आप जावे अपने रूम वाल। आप जो ब्रेकफास्ट किया बाबा फूड चैंबर चितकुल दे विच आ, ते इहदे ओनर ने उन्होंने मिलते हैं। बाबा फूड चैंबर के ओनर है जी बबलू जी, ते ए इत्थे अपना गेस्ट हाउस भी है इन्हों का, ते आ फूड वगैरह का सारा अरेंजमेंट इन्होंने को। कितनी देर से आप यहाँ पे? 23 साल से। 23 साल तो इतने ने जी। ते सर कौन कौन से महीने में ये बंद होता है एरिया, मतलब आप कब से लेके कब तक अवेलेबल होते हो? बस फरवरी महीने ब्रेक होता है, बाकी फरवरी में ब्रेक होता है, बाकी पूरा साल आप अवेलेबल 11 महीने। इन्होंने एक होर गल दसी है कि जो तुम सर्दियों के बच्चे आना चाहते हो, इतने स्नो काफ़ी हो जाती, कहते बहुत मजा आता है इतने सर्दियों। ते ये कहिंदे पे जे तुसीं आप ड्राइव करके नहीं आना चाहुंदे आ ते आपां तुहाडियां मतलब करछम तो ही टैक्सी वगैरह बुक करवा दिंदे आ, ते ओह तुहानूं इत्थे लैके आ जांदे, फिर तुसीं इत्थे आके इंजॉय कर सकदे। ते सर अभी आप कितनी देर में मतलब जनवरी में जाओगे यहां से? फरवरी में जनवरी 15 के बाद। 4 तों 5 हैगे आ जी इन्हां दे कोल, हाले जे कोई 3-4 महीने जे घूमना चाहुंदा ते आ सकदा। कुल के बारे में कुछ बताना चाहते हो खासियत? खासियत कुछ नहीं, ठंड दबा के -25-30 तक जाएगा रिजल्ट। बाकी अगर डे हाइक करना हो तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए आप लोगों को। यहाँ से कोई ट्रैकिंग वगैरह कहाँ कहाँ के लिए जाती है? यहाँ से गंगोत्री का ट्रैक है। गंगोत्री का मैक्सिमम उत्तरांचल का ट्रैक है। कितने दिन का ट्रैक होता है वो? 8 से 10 दिन का रहता है वो। ठीक है, उसका चार्जेस वगैरह अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाता है? मैक्सिमम 4 से 4,500 पर पर्सन पर डे। पर डे 4 से 4,500 में ग्रुप में 12 से 15 लोग होंगे तब जाके चीप पड़ेगा।
वो आप करवाते हो प्रोवाइड? हाँ जी सर। लो जी जो ट्रैकिंग करने चाहते इतने उत्तराखंड लिए मैक्सीम ट्रैक जाते हैं कहते 15 to 20 दिन के 4 to 5 हज़ार के बच्चे पर डे खर्चा 4 to 5 हज़ार के बच्चे यही प्रोवाइड करवा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने। नाइस टू मीट यू।